गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे आप सब? बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। बीच में आपकी मॉक टेस्ट हुई थी, होप सबकी मॉक टेस्ट अच्छी गई हो। ये मॉक टेस्ट आपको सिर्फ इस नई जो पैटर्न है, नई जो टेक्निक है गूगल फॉर्म की, उससे आपको वाकिफ़ कराने के लिए थी कि आप उससे यूज टू हो जाए, आपको पता चले कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे हो सकती है। आपके मार्क्स आपको डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, आपको कर दिए जाएंगे बाद में। सिर्फ ये एक ऐसा एक टेस्ट था जो आपको उस चीज़ से रूबरू कराने के लिए था। इट वॉज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट बट इट वॉज़ नेसेसरी। क्यों? क्योंकि आपको इस नई सिस्टम से रूबरू होना था, राइट? यू हैव टू गेट यूज टू दिस न्यू टेक्निक। इसलिए ये मॉक टेस्ट की गई थी, सब लोगों ने अच्छा किया है, मार्क्स भी आ गए हैं सब लोगों ने, वो एक बार में आ भी गया है। बहुत सिंपल है, जब आपको पता चल गया होगा, यू हैव टू जस्ट राइट योर नेम, रोल नंबर, जहाँ पर रेड स्टार होता है मतलब कि वो नेसेसरी है, वो रिक्वायर्ड है। अगर वो आप फिल नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे नहीं, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबमिट करने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है, फिर हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपका मॉक टेस्ट। अब आपको जल्द से आपका पीरियडिक टेस्ट का टाइम टेबल भी मिल जाएगा, क्योंकि सक्सेसफुल रहा है ये, बहुत सारे बच्चों ने ठीक से किया है। कुछ प्रॉब्लम्स थी लिंक की जो अब सॉल्व हो गई है, तो होप आपका पीरियडिक टेस्ट भी इसी मंथ, मतलब आज तो लास्ट डेट है, अगले मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो सेशन, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4th स्टैंडर्ड 7th फाइबर फ्रॉम एनिमल से। हमने अभी तक सिल्क पढ़ लिया था, वूल हमने स्टार्ट कर लिया था, शिप फार्म तक हमने देख लिया था कि कैसे अलग अलग ब्रीड्स के शिप को हम मिक्स करके एक अलग से लैम्प बना सकते हैं, राइट? एक ईव और एक रैम को यूज़ करके हमने शिप फार्म देख लिए थे। अब हम ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें वूल देगा, दैट इज शियरिंग। शियरिंग मतलब इन सिंपल वर्ड्स बताओ तो, जो शीप होता है, जो याक होता है, जो कैमल होता है, जो गोट होता है, जो हमें वूल देते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर से वो वूल निकालना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शियरिंग बोलते हैं। तो ये कैसे हो जाती है, कैसे की जाती है, कौन करता है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, राइट? ये सारी चीज़ों को हम इस शियरिंग के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं शियरिंग। इट इज़ डन ट्वाइस इन ए ईयर, ऑल्सो थ्राइज इन सम स्टेट्स। अब ये साल में होता है दो बार। अब वी ऑल नो कि शीप की बॉडी पर जो बाल होते हैं, उसके जो, जिसे हम वूल बोलते हैं, वो किस लिए होते हैं? उन्हें ठंड से बचा के रखने के लिए। तो हम जो शियरिंग करेंगे वो साल में कितनी बार करेंगे? ट्वाइस। बट कुछ स्टेट्स में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ठंड बहुत कम होती है, वहाँ पर क्या होगा, कभी कभी ये शियरिंग है जो थ्राइस भी होगा, राइट? कभी कभी तीन बार भी साल में हो जाएगा, बट ओकेजनली थ्री टाइम होता है। बाकी के जो स्टेट्स है, जो मोर देन 90% स्टेट्स ऑफ इंडिया है, जहाँ पर सिर्फ शेयरिंग होती है, वो होती है दो बार। दैट इज़ द बेस्ट सीजन टू डू सो इज़ इन स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग मतलब समर के बाद का सीजन, जस्ट मानसून जब स्टार्ट होने वाला होता है, उससे पहले जब पेड़ के ऊपर नई पत्तियाँ आती है, दैट इज़ स्प्रिंग। और ऑटम सीजन जो होती है वो मॉनसून ख़त्म होने के बाद और विंटर जब स्टार्ट होती है, उससे पहले जो सारे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ पर से, वो, ये दो सीजन जो होती है वो बेस्ट रहती है शियरिंग के लिए, राइट? अब शियरिंग करने से पहले क्या होता है, तो बिफोर शियरिंग द शीप्स आर वॉश्ड विथ वाटर एंड द वूल ऑब्टेन्ड इन सच मैनर इज कॉल्ड वॉश्ड वूल। अब जब आप किसी शीप के ऊपर से वो जो बाल निकालते हो, वो जो वूल एक्सट्रैक्ट करते हो, उससे पहले उस शीप को धोना पड़ता है, क्योंकि शीप जंगलों में, पहाड़ों में चलते फिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, जेड नीचे ज़मीन पर सो जाते हैं, तो वो उसका जो वूल होता है वो गंदा हो गया होता है, तो उसे हमें साफ करना होता है। तो उसके लिए पहले उन्हें क्या किया जाता है, दे आर वॉश्ड विद वाटर एंड देन, उसके बाद जो हमें वो वॉश्ड वूल मिला है, उसे क्या बोलेंगे हम? वॉश्ड वूल, क्योंकि हमें उसने क्या कर दिया है, हमने उसको हमने धो दिया है, सारा डर्ट जो है वो हमने निकाल दिया है। अब ये दो चीज़ों से हो सकता है वूल निकालना। पहला होता है सीजर से, कैंची से आप काट लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शीयर आते हैं, जैसे अभी अभी शेविंग्स के लिए, बाल काटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर आ गए हैं, राइट? ट्रिमर्स। तो वैसे ही ये बाल काटने, वूल निकालने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक शीयर्स आ गए हैं, लेकिन ये करते कौन है? ओनली एक्सपर्ट्स। जिन्हें नहीं आता है वो नहीं कर सकते। इसका रीज़न है क्योंकि जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो थोड़ा करके छोड़ देंगे, वापस से थोड़ा करके छोड़ देंगे, तो जो वूल के जो टुकड़े होंगे वो छोटे छोटे निकलेंगे। हमें तो एक बड़ा सा फाइबर चाहिए। शियरिंग का मतलब होता है, अगर हम लोग ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे तक एक ही स्ट्रोक मारना है। अगर जिसे नहीं आता है वो यहाँ से यहाँ तक लेगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक लेगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक लेगा, तो छोटे छोटे सेगमेंट्स हमें मिलेंगे, राइट? वूल के। तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो वही करते हैं,
जिन्हें आता है शेयरिंग करना, वो क्या करेंगे, एक ही बार में स्टार्ट करके नीचे तक ले जाएंगे ताकि हमें एक बड़ा सा सेगमेंट मिले, राइट, वूल का, और कोई इसका रीज़न नहीं है। अब ये करते करते कभी कभी जो होता है वो मशीन लग जाता है, राइट, शीप्स जो होते हैं वो समझते नहीं है तो वो हिलते रहते हैं, दौड़ने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, कभी बैठ जाएंगे, थक जाएंगे, तो कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो शीयर होते हैं या फिर सीजर होती है उन्हें लग जाती है, तो उनमें यहाँ से खून निकलने लगता है। तो उसके लिए भी क्या करना होता है, एनी वूंड इज ट्रीटेड विद एंटीसेप्टिक इमीडिएटली। कभी भी लग जाता है उनको गलती से तो क्या होगा, वहाँ पर क्या लगा देंगे हम, एंटीसेप्टिक लगा देंगे, राइट, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो और वो घाव जो है वो जल्दी से भर जाए। अब वूल जो है वो हमें शीप में से मिलता है, ये हमें पता है, उसके दो अलग अलग कैटेगरीज है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइव शीप इज कॉल्ड क्लिप्ड वूल। जो शीप जिंदा है, राइट, जो जिंदा है हमारे सामने, उसमें से अगर हम वूल निकाल रहे हैं तो क्लिप्ड वूल है। अगर कोई शीप मर गया है और उसकी बॉडी में से हम वूल निकाल रहे हैं तो इसे बोलते हैं पुल्ड वूल, दैट फ्रॉम डेड शीप इज कॉल्ड पुल्ड वूल, राइट। जो शीप जिंदा है हमारे सामने है उससे अगर हम निकाल रहे हैं तो उसे हम क्लिप्ड वूल बोलेंगे। अगर कोई मर गया है कोई कारण सर और उसके ऊपर वूल है जो हमें चाहिए, अगर वो हम निकालते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, पुल्ड वूल, राइट। अब ये हमें मिला फाइबर, जैसे सिल्क में से हमें सिल्क मिला था वो एक फाइबर था, अब उसको हमें वीव करना पड़ता है, यॉन करना पड़ता है, राइट, हमने वहाँ पर थ्रोइंग पढ़ा था। वैसे यहाँ पर क्या होता है, उस फाइबर को एक साथ ट्विस्ट करके मिक्स करके एक बड़ा सा धागा बनाना पड़ता है जिसमें से हम फैब्रिक बनाते हैं, मतलब कि कापड़ बनाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो आफ्टर शीयरिंग द वूल इज कॉम्ब्ड टू रिमूव बर्स। अब हम लोग जब नहा कर निकलते हैं तो क्या करते हैं, हमारे सर में क्या कर लगाते हैं, कंघी लगाते हैं, वी कॉम्ब अवर हेयर, क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, घूंच हो जाती है, राइट, बर्स, बर का मतलब और कुछ नहीं होता है, बालों में जो घूंच होती है वो होती है। अब शीप की बॉडी से जो हम वूल निकाल रहे हैं वो हमारे लिए वूल है, उसके बॉडी पर था वो क्या था, हेयर था, तो ऑब्वियसली उसे भी कॉम्ब करना पड़ेगा, बीच में अगर कहीं घूंच है तो उसे निकालनी पड़ेगी, राइट। तो आफ्टर शेयरिंग द वूल इज कॉम्ब्ड टू रिमूव एनी बर। अब उसमें से कोई घूंच नहीं है, सब स्ट्रेट हो गए, सॉरी सब अनटेंगल हो गए, मतलब कि जो घूंच वाले बाल थे वो हमने सुलझा दिए। अब क्या होगा, आफ्टर कॉम्बिंग दे आर स्ट्रेटन्ड एंड स्पन एंड ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक योन। हमने सिल्क में भी यही किया था, छोटे छोटे टुकड़े हमने जॉइंट किए थे, फिर हमने उसे ट्विस्ट किया था, बॉबिन्स के ऊपर रोल किया था, राइट, यहीं पर वही, यहाँ पर भी वही होगा। आफ्टर कॉम्बिंग, जब हमने कॉम्ब कर लिया उसके बाद उन्हें स्ट्रेट किया जाता है, फिर उन्हें एक दूसरे के साथ स्पन किया जाता है, स्पन मतलब बुनना, फिर उसे ट्विस्ट किया जाता है, एक यहाँ पर रखेंगे दूसरा उसके सामने रखेंगे, फिर दोनों को जॉइंट कर देंगे मोड़ मोड़ के, राइट, और उसके बाद बनता है यान, मतलब कि पूरा एक रेल बनाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, दिस वूल कैन बी ब्लीच्ड एंड डाइड। अब ब्लीचिंग भी कर सकते हैं हम, वहाँ पर हमने किया था, कभी कभी क्या होता है, ये जो गर्मी होती है उसकी वजह से जो वूल होता है वो पीले कलर का हो जाता है, राइट, होते हैं वो वाइट कलर के हैं, लेकिन ये धूप की वजह से या फिर कचरे की वजह से, ये जो पूरे दिन मिट्टी में पड़े रहते हैं उसकी वजह से उसका कलर जो होता है वो डल हो जाता है, तो आप उसे ब्लीच कर सकते हैं और आप उसे डाई भी कर सकते हैं, जो हमने सिल्क में देखा था, राइट, यू कैन कलर इट, सेम हियर, यू कैन कलर इट और ब्लीच इट। अब हम आगे बढ़ते हैं वूल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए, मतलब कि हमें कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए अच्छे वूल को पहचानने के लिए, राइट, तो वो हम आगे देखेंगे। तो हमें तीन चीज़ें याद रखनी है बच्चों क्वालिटी ऑफ वूल पढ़ने के लिए। पहला हमारा पॉइंट है, थिनर द फाइबर बेटर द वूल। जितना पतला फाइबर निकलेगा उसकी बॉडी में से उतनी हमारे वूल की क्वालिटी बढ़िया रहेगी, राइट, जितना पतला, थिनर द फाइबर बेटर द वूल। सेकंड है, सुपीरियर क्वालिटी वूल इज क्रिम्पी, मतलब कि करली होते हैं। जो अच्छे वूल होते हैं, जो शीप्स में से जो हमें वूल निकलता है, जो सुपीरियर क्वालिटी के अगर हमें पहचानने हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, तो जो सबसे ज़्यादा घुंघराले होंगे, करली होंगे, राइट, वो वूल होगा सबसे अच्छी क्वालिटी का। और उसका एक और कैटेगरी है अच्छी क्वालिटी का, उसकी लेंथ। तो लेंथ भी तीन अलग अलग कैटेगरी में है, सबसे अच्छी जो फाइन लेंथ होगी वो 4 to 12 सेंटीमीटर, इससे बड़ी होगी नहीं, 4 to 12 सेंटीमीटर का अगर आपको वूल दिखता है तो वो क्या होगा, फाइन होगा। उसके बाद मीडियम कैटेगरी में आता है 6 to 17 सेंटीमीटर, और फिर लास्ट में आता है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है मीडियम से थोड़ा लो, जो हम बुरा भी बोल सकते हैं, वो होगा 10 to 30 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी तीन लेंथ की कैटेगरीज, राइट, एक बार फिर देख लेते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का वूल पहचानना है तो वो कैसा होगा, क्रिम्पी मतलब कि करली होगा, घुंघराले होंगे, और फिर जितना पतला फाइबर होगा उतनी अच्छी वूल की क्वालिटी होगी। अब इसके अलावा हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि वूल जो होता है स्मूथ होता है, आप वूल को हाथ लगाओगे तो आपको स्मूथनेस फील होगी। दूसरा क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब आप किसी भी चीज़ को खींचते हो वो कितना खींचता है और कितनी देर के बाद टूटता है, मतलब वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। अगर आप किसी चीज़ को खींचते हो और वो बहुत जल्दी नहीं टूटता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी है, राइट। तो वूल जो है वो अपनी ओरिजिनल साइज से 70% तक खींचा जा सकता है, राइट। अगर आपके पास एक 10 सेंटीमीटर का आपके पास एक वूल का थ्रेड है तो अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो एक्स्ट्रा 7% तक क्या होगा, स्ट्रेच होगा, राइट। 70% मतलब कि आप उसको और उतना ज़्यादा खींच पाओगे, वो तब तक टूटेगा नहीं। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, इसकी खासियत क्या है, एब्जॉर्ब वाटर अप टू इट्स 1/3 वेट। अब जब आप ये आपने देखा होगा कि जब आप वूलन क्लोथ, स्वेटर, टोपी, स्कार्फ, मफलर जब आप पानी में भिगोते हो और बाहर निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, उनका वेट जितना होता है उससे ज़्यादा वेट हैवी हो जाते हैं। वो किस लिए होता है, तो वूल जो है वो अपनी वेट के 1/3 जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आपके पास 100 किलो वूल है तो वो ऑलमोस्ट 75 लीटर तक पानी क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। 1/3 जितना पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये हमने बाहर ही देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, हाथ लगाओगे तो स्मूथ होगा, खींचोगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, पानी में डालोगे तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस इट चेंजेस कलर बट डजंट बर्न ईजिली। अब 100 डिग्री तक वूल जो है वो टेम्परेचर को सहन कर सकता है और तब तक वो जलेगा नहीं, सिर्फ उसका कलर चेंज होगा, राइट, थोड़ा सा येलो हो जाएगा, बाकी उसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं। दूसरा है, इट डिजोल्व इन एसिड एंड बेसिस। जब आप उसको एसिड और बेस में डालोगे तो तुरंत डिजोल्व हो जाएगा। थर्ड क्या है, इट कैन बी ब्लीच्ड विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सिल्क आगे पढ़ा है। सिल्क में क्या किया था, हमने जैसे ही ब्लीच या डाई में डाला था उसका सारा वेट क्या हो गया था, लॉस हो गया था। वापस से हमें आयरन या कॉपर के सोल्जर में डालना पड़ा था उसको, उसका वेट रीगेन करने के लिए, राइट। लेकिन वूल में क्या होता है, ब्लीचिंग में अगर आप डालोगे तो भी उसका जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी लूज होगा नहीं। ये हमने ऊपर ही पढ़ा है कि उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, राइट। जितना भी आप उसको खींच वींच लोगे उसको बहुत जल्दी से इफेक्ट होता नहीं है। तो ये थी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है 4th। अगले वीडियो में 5th चैप्टर से मिलेंगे। नीचे आपको होमवर्क लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन शेयरिंग जो आपको PDF में से लिखना है, ऑब्वियसली यहाँ से नहीं लिखना है। 3 क्राइटेरिया फॉर वूल क्वालिटी ये रहा, ये भी आपको अच्छे से PDF में मिल जाएगा जो मैं आपको भेज रहूँगा। 3rd, एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल PDF में से। एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, ये भी आपको PDF में से लिखना है। शेयरिंग जो है वो बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पर 5th क्वेश्चन नहीं दिया है। हम लोग जनरली 5 क्वेश्चन करते हैं पर वीडियो में, बट शेयरिंग आपको PDF में जो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन तक हम रुक जाते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्टडिंग, आपकी एग्जाम्स इज वेरी नियर। स्कूल सोच रही है कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट सेकेंड वीक, मतलब इस अपकमिंग 15 डेज के अंदर आपकी एग्जाम्स का टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, शायद एग्जाम्स भी हो जाएगी। तो पढ़ते रहिए, राइट, लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए। आपने देख लिया है कि मॉक टेस्ट में बड़े आंसर लिखना थोड़ा टफ रहेगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही रहेंगे, बट वो भी आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ने पड़ेंगे, डिक्टो टू डिक्टो एक्सरसाइज का आएगा नहीं। तो कीप स्टडिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।